हेलो एवरीवन, वेलकम टू कशिश सिंधी किचन। आज हम बनाएंगे चिली पनीर। उसके लिए हम चाहिए पनीर, हम नमक ऐड करेंगे, कॉर्नफ्लोर, लाल मिर्च, और इन्हें हम सब मिक्स कर लेंगे सबको और थोड़ी देर के लिए रख देंगे। अब एक पैन में तेल गरम करेंगे और इसे फ्राई कर लेंगे। ब्राउन होने तक हम इन्हें फ्राई करेंगे। देखिए अब ये ब्राउन हो चुके हैं, अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। एक पैन में ऑयल गरम करेंगे, उसमें लहसुन, एक प्याज, एक शिमला मिर्च। अब इन वेजिटेबल्स को थोड़ा हम पका लेंगे। हमें हल्का सा ही पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना है इनको। नमक स्वाद अनुसार, सोया सॉस। अब एक बाउल में मैंने अरारोट लिया है, उसमें पानी ऐड कर रही हूँ मैं। हम इसका मिक्सचर बना लेंगे जिससे कि हमारी ग्रेवी और अच्छी बन जाएगी। अब इसे हम ग्रेवी में डाल देंगे, मिक्स कर लेंगे अच्छे से। लाल मिर्च डालेंगे, सोया सॉस, थोड़ा सा वाटर, अब हमने पनीर ऐड कर दिया है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इसे पका लेंगे थोड़ा। ये हमारा चिली पनीर रेडी हो चुका है। देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है इसका, टेस्ट में भी ये बहुत ही अच्छा लगता है। अब हम इसे हरे धनिए से गार्निश कर लेंगे। ये हमारा रेडी है चिली पनीर। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर करिए। थैंक यू।